सही पढ़ा है आपने थंबनेल में, आज बात करूंगा मैं माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेज, यानी कि मुंह आप अपना कैसे ज्यादा खोल सकते हो वो एक्सरसाइजेज के बारे में। काफी सारे पेशेंट्स हमारे में ओपीडी में आते हैं जिसका पान फाकी या तंबाकू की वजह से मुंह बंद होता जाता है, तो ये पेशेंट्स को मैंने अपना कस्टमाइज स्पेशल डिजाइन किया हुआ एक एक्सरसाइजेस का पैकेज है जो हम सजेस्ट करते हैं, आज वो पैकेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन साथ ही में उसके साथ एक सीक्रेट टिप भी आपके साथ शेयर करूंगा कि जो गलती बहुत सारे लोग करते हैं और उसकी वजह से उनका मुंह एक्सरसाइज के बावजूद भी नहीं खुल पाता है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस से आपको फायदा तो होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर किसी ने अपनी टोबैको की हैबिट, पान फाकी, तंबाकू या स्मोकिंग जो भी व्यसन है वो नहीं छोड़ा, तो इससे फायदा होने की गुंजाइश काफी ना के बराबर है। तो पहले अपनी टोबैको की हैबिट आपको छोड़ना जरूरी है। और जिसका पेशेंट्स का ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस यानी कि मुंह जो कम खुलने की बीमारी है वो माइल्ड और मॉडरेट स्टेज में है, उनको इनसे काफी सारा फायदा हो सकता है। यस फ्रेंड्स, तो कमिंग टू एक्सरसाइज नंबर वन जो है आइसक्रीम स्टिक बंचेस। इसमें क्या होता है कि आइसक्रीम के जो स्टिक्स आते हैं उसका एक मैक्सिमम जितना हमारा मुंह खुलता है, जैसे कि किसी का मुंह अगर टू फिंगर्स जा रहा है तो ऐसे जितना मैक्सिमम हमारा मुंह खुलता है उतने आइसक्रीम स्टिक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 स्टिक जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो 10 स्टिक का एक के ऊपर एक रख के ऐसे पाइल अप करके बंच बनाना है और वो एक बंच को एक साथ मुंह के अंदर ऐसे प्लेस कर देना है। तो उससे क्या होता है कि अपने जो मसल्स है, गाल के जो मसल्स रहते हैं उसको स्ट्रेचिंग मिलता है, एक तरह से प्रेशर मिलता है कि जिसकी वजह से मुंह थोड़ा स्ट्रेच होता है। तो धीरे धीरे करके जैसे ही आप शुरू में एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, तो हमारे एग्जांपल के हिसाब से अगर पहले दिन 10 स्टिक्स जा रहा है तो वही पोजीशन पे मुंह को 5 to 10 minutes यानी कि 5 से 10 मिनट होल्ड करना है। ऐसे लगातार 3-4 दिन करने के बाद धीरे धीरे करके जैसे ही मुंह रिलीज होता है, क्योंकि हमने आगे के वीडियो में भी समझा था कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है उसमें फाइब्रस बैंड्स होते हैं, तो जो इसके ऊपर प्रेशर आने से बैंड्स है वो धीरे धीरे रिलीज होते हैं, रिलैक्स होते हैं और धीरे धीरे ब्रेकअप करना स्टार्ट होते हैं। तो फाइबर्स रिलीज होने के रीजन से धीरे धीरे करके मुंह रिलैक्स होकर ओपन होता है। तो जैसे ही 3-4 दिन के बाद अगर 10 स्टिक्स कंफर्टेबली जा रहे तो आप एक स्टिक और ज्यादा ऐड करके 11 स्टिक से कर सकते हैं। ऐसे हर 2-3 दिन पे एक एक स्टिक आपको बढ़ाते रहना है, जिसलिए आपका मुंह धीरे धीरे करके ज्यादा रिलीज होगा और धीरे धीरे करके मुंह ज्यादा खुल रहा है ऐसा आपको पता चलेगा। अब ये एक्सरसाइज की खास विशेषता ये है कि जो भी एक्सरसाइजेज आप मैं आज बताऊंगा उसमें से करोगे तो उससे जो हमारे फाइब्रस बैंड्स है मुंह के अंदर उसको अच्छे से एक स्ट्रेचिंग, एक खिंचाव और दबाव मिलेगा कि जिसकी वजह से धीरे धीरे बैंड्स है वो धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो गए और रिलैक्स होना स्टार्ट हो गए। अब मैंने जो एक्सरसाइजेज सिलेक्ट किए वो आप यही अगर सीरियल क्रम में करोगे तो और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पहली जो एक्सरसाइजेज उससे वर्टिकल रिलीज मिलेगा मुंह को। अब कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये दूसरी एक्सरसाइज मैंने इसे सिलेक्ट करके हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि जिसमें अभी आपके मसल्स को हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच मिलेगा, जिसमें दूसरे नंबर की एक्सरसाइज है ब्लोइंग एयर विद इन द माउथ यानी कि मुंह के अंदर हवा भर के रखना। आई विल शो यू हाउ टू डू। ऐसे मुंह के अंदर आप जब हवा भर के रखते हो तो मसल्स को एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच मिलता है, एक अलग पोजीशन में मसल रिलैक्स होते हैं और धीरे धीरे करके अपनी जो फंक्शनैलिटी यानी कि बात करने के टाइम पे या तो खाना चबाने के टाइम पे, जैसे ही मसल्स को एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच मिलता है उसमें आपको फायदा मिलेगा धीरे धीरे। तो पहली एक्सरसाइज थी आइसक्रीम स्टिक की, हम जैसे हमने वर्टिकली मुंह को रिलीज किया, ये दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें मुंह को हमने हॉरिजॉन्टली रिलैक्स करते या तो रिलीज कराते हैं। अब किसी को अगर एयर ब्लोइंग एक्सरसाइजेज में दिक्कत आ रही है तो दे कैन ऑल्सो प्रेफर वाटर होल्डिंग इन द माउथ, ये भी सेम तरह से ही काम करेगा, लेकिन इसमें मुंह के अंदर थोड़ा पानी भर के आप रख सकते हो। ऐसे शुरू में जब आप पानी भर के रखोगे आपका मुंह, जिसका मुंह कम खुलता है उसका उतना मुंह एक्सपांड नहीं होगा, मेरा मुंह नॉर्मली खुलता है इसलिए ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है, तो शुरू में आप 5 से 10 सेकंड तक मुंह में पानी भर के या तो हवा भर के होल्ड कर पाओगे। धीरे धीरे करके जैसे ही आप उसका प्रैक्टिस करोगे, आप कंसिस्टेंटली करोगे तो और ज़्यादा सेकेंड्स के लिए होल्ड कर पाओगे। ट्राई टू होल्ड इट फॉर मैक्सिमम 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स आप होल्ड करना शुरू में चालू कर सकते हो, बाद में दूसरे सेट में आप फिर से 30 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हो। तो इसी ये एक्सरसाइज से उसके आपको हॉरिजॉन्टल रिलीज मिलेगा। अब कमिंग टू द नेक्स्ट फोर्थ एक्सरसाइज, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें खाली एक आपको माउथ ओपनिंग इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा। ये इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली काफी मेडिकल स्टोर्स में या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अमेजोन पे अवेलेबल रहता है। ये माउथ ओपनिंग इंस्ट्रूमेंट आप कैसे यूज करना है, तो इसको भी आइसक्रीम स्टिक की तरह ही मुंह के किसी एक साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड पे आप रखना है और धीरे धीरे करके जैसे ही आप ये
जैक को टाइट करोगे, इससे ये जो उसके दो विंग्स हैं वो खुलते जाएंगे और धीरे धीरे मुंह के ऊपर स्ट्रेचिंग आना स्टार्ट होगा। तो शुरू शुरू में आप करोगे तो एक हद तक आप कर पाओगे, लेकिन इसमें मैं खास करके एडवाइस करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि मैक्सिमम वो लोग जितना सहन करें उतना फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करें। और उसमें जैसे कि आपने ये इंस्ट्रूमेंट को ओपन अप करके जैक लगा के बेसिकली जैसे ही एक या दो मिनट होते हैं तो और धीरे से आप थोड़ा टाइट कर सकते हैं जैक को, तो उससे क्या होता है कि और थोड़ा मुंह स्ट्रेच होना इमिडिएटली स्टार्ट होता है। और ये एक्सरसाइज तभी अपना कारगर माना जाएगा कि जब किसी के एक्सरसाइज के दौरान अगर आँख से पानी आना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ पेन, तो दैट मीन्स कि एक्सरसाइज काम कर रहा है, आपको इससे फायदा होगा। तो ये जैक में भी ऐसा ही होता है, जैसे हम आइसक्रीम स्टिक बढ़ाते जाते हैं ऐसे जैक में धीरे धीरे करके और हम टाइट करते जाते हैं कि जैसे मुंह जितना ज़्यादा प्रेशर से मुंह खुल सके उतना मैक्सिमम ओपनिंग रहेगा। अगर टाइट करने के बाद मैक्सिमम आपने जितना सहन हो सकता है उतना टाइट किया, बाद में दो मिनट ऐसे ही छोड़ देना है और बाद में दो मिनट बाद फिर से और थोड़ा एक हाफ टर्न आपको टाइट करना है कि जिससे आपका इफेक्ट मिलेगा। ये जितने भी एक्सरसाइजेज है आप दिन में 4 से 5 बार करने का सुझाव दिया जाता है, और एक एक जब टाइम करते हो तो 10 से 15 मिनट का समय निकाल के करें, ऐसा नहीं है कि 1-2 मिनट में करके छोड़ दिया। तो जितने भी एक्सरसाइजेस का ये पूरा पैकेज है वो ट्राई टू डू इट फॉर 10 to 15 मिनट्स, और इसके रिपीट्स जो है वो दिन में 4 से 5 बार करेंगे तो आपको उसके डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद जैसे कि अगर हमने जैक से माउथ ओपनिंग किया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं तो बलून फुलाना, जैसे कि फुगा हम फुलाते एयर से, वो एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। या तो कोई कोई शंख बजाने का भी सलाह देते हैं, अगर शंख बजाने की किसी को प्रैक्टिस है तो आप शंख बजाने की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं फिर से बोलूँगा, पहले एक वर्टिकल एक्सरसाइज बाद में हॉरिजॉन्टल रिलैक्सिंग वाला एक्सरसाइज हमको करना है। अब जैसे ही मैंने आपको कमिट किया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसे मिसिंग लिंक या तो सीक्रेट है वो शेयर करूँगा कि काफ़ी सारे लोगों का मुँह कम खुलता है और ऑलमोस्ट 100% लोगों की यही डिज़ायर रहता है कि उनका मुँह ज़्यादा खुले, लेकिन काफी लोग जो एक्सरसाइज करते हैं उनका मुंह नहीं खुल पाता है। उसका रीजन ये है कि लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तो यहां पे लगातार ये एक्सरसाइज के साथ कुछ महीने बने रहना जरूरी है, ना कि 10-15 दिन कर दिया और थोड़ी दिक्कत आ गई, थोड़ा दिक्कत महसूस हुआ तो छोड़ दिया। तो जैसे ही अगर किसी का मुंह पैक हुआ है पान फाकी या तो तंबाकू की हैबिट की वजह से या तो स्मोकिंग की हैबिट्स हैं, तो वहाँ पे भी हमारा मुंह बंद होने में काफ़ी महीने या तो साल लगते हैं। तो अगर हमारे पास वही कंसिस्टेंसी जैसे ही हमने व्यसन चालू किया था, अगर वही चीज़ पान फाकी या तंबाकू छोड़ने के बाद अगर एक्सरसाइज के साथ हम अगर लगातार बने रहते तो डेफिनेटली हमको रिजल्ट मिलेगा। अब ये रिजल्ट कैसे आपको अच्छे से मिल सके, तो जैसे ही हम अपने फाइनेंसिस का अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो जैसे ही आप ये एक्सरसाइज के साथ अपना पूरा पैकेज स्टार्ट करते हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि अपना एक नॉर्मल वर्कबुक मेंटेन करो जिसमें कि डे वन पे आपने कितनी बार एक्सरसाइज की, दिन में कितनी बार उनको रिपीट किया, वो आप ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन करो। तो आप 1-2 महीने बाद देख सकते हैं कि आपने कितने सारे एफर्ट्स किए हैं। और अगर आपने ये रिकॉर्ड बुक मेंटेन की जिसको हम एक्सरसाइज वर्कबुक बोलते हैं, अगर आप ये वर्कबुक मेंटेन करते हो तो आप धीरे धीरे कंसिस्टेंटली अपना मुंह जब तक आपका नॉर्मल नहीं खुल जाता है तब तक आप कंटिन्यू रहने में आपकी मदद मिलती है। अब इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि इसमें जैसे ही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आपको जो भी आपकी पान फाकी या तंबाकू की जो भी हैबिट है, जो भी आपकी व्यसन वाली चीज़ है, वो हैबिट पूरी तरह से क्विट करना जरूरी है, पूरी तरह से उसको छोड़ना जरूरी है। अगर कोई भी अपनी हैबिट स्टार्ट रख के ये एक्सरसाइज करेगा तो उसमें रिजल्ट मिलने के चांसेस ना के बराबर है। तो फिर से मैं ये कहूँगा कि अपनी जो भी पानफा की या टोबेको की हैबिट है वो पूरी तरह से क्विट करें। और क्विट करने में हमको काफ़ी पेशेंट्स ऐसा बोलते कि सर हम धीरे धीरे करके कम कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। एक मेथड है, अगर आप टोबेको की हैबिट छोड़ना चाहते हो तो उसको बोलते हैं कोल्ड टर्की मेथड, कि जिसमें आप जब से डिसाइड कर सो तब से पूरा का पूरा व्यसन छोड़ देते हैं। तो ये एक ही तरीका है जो हमने इतने सालों में कारगर पाया है अगर कोई भी अपनी टोबैको की हैबिट छोड़ना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पानफाकी या तंबाकू जो भी है उसकी फ्रीक्वेंसी कम करें और कंट्रोल करें, ऐसा हो ही नहीं सकता और किसी ने किया भी नहीं है। अगर आपको हैबिट क्विट करना है तो उसके लिए कोल्ड टर्की मेथड आज से ही डिसाइड करो कि आप पूरा छोड़ दोगे। अगर आप ये कर पाओगे तो डेफिनेटली ये एक्सरसाइजेस और पैकेज की मदद से आप घर बैठे ही अपना मुंह ज़्यादा खोल सकते हो। और अगर ये मुंह किसी का अगर ज़्यादा सीवियर केस है और इस एक्सरसाइज से नहीं खुलता है, तो मैंने ऑलरेडी एक मुंह कम खुलने की बीमारी यानी कि ओरल सबमिकोस फाइब्रोसिस पे एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे रहा हूँ। तो वो एक्सरसाइज के बाद ये वीडियो आप देख लीजिए कि जैसे आपको पता चले कि अगर किसी को सीवियर ओरल सबमिकोस फाइब्रोसिस है तो उनके लिए मुँह खोलने का क्या ऑप्शन है। दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।